जय मसीह की। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हमारा देश गुलामी से आजाद हुए 76वें साल के जश्न को मना रहा है। हम अपने उन महान देशभक्त स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अत्यंत आभारी हैं, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश को स्वतंत्रता के इस मुकाम पर पहुंचाया है। उन्हीं के बलिदान के बदौलत आज के दिन हम देश में आज़ादी के इस जिंदगी को जीने पा रहे हैं। तो आज के इस सुंदर अवसर पर हमारे बीच ग्रेटर नोएडा से पास्टर अलाइजा और दिल्ली से पास्टर अब्राहम हमारे बीच विशेष अतिथि के रूप में मौजूद हैं। उनके साथ ही हमारे बीच भाई जीवानंद और मंदिरा सिस्टर हमारे बीच हैं। तो मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूँगी। तो इसके साथ ही आइए हम प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगी पास्टर अलाइजा जी से, वो हमारे लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं खासकर इस सुंदर समय पर कि जहाँ हम देशवासी मिलकर हमारी स्वतंत्र दिवस को मना रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं खुदा कि ये स्वतंत्रता हर एक के अंदर एक सच्ची स्वतंत्रता को ले आ सके, एक बड़ी खुशी को ला सके। जैसे हम उस बात पे चर्चा करने के लिए आए हैं, पवित्र आत्मा हमारी मदद करिए, हमारी चर्चा हम सब के लिए भी और देखने वाले हर दर्शकों के लिए भी एक आशीष का कारण बने और एक सच्ची स्वतंत्रता के बारे में समझ नहीं पाएँ और अपने जीवन में अनुभव करने पाए, अंत तक हमारे साथ रह के चलाएं। सिर्फ आपके नाम की महिमा हो, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है तो मैं चाहूंगी कि हम लोग इस विषय पर चर्चा परिचर्चा करें। तो सबसे पहले मैं पास्टर अलाइजा जी से आरंभ करना चाहूंगी और उनसे पूछना चाहूंगी कि स्वतंत्र भारत के नागरिक होने के नाते यह दिन या स्वतंत्रता दिवस आपके लिए क्या मायने रखता है? सबसे पहले आप सबको मैं स्वतंत्र दिवस का शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे एंजल टीवी के दर्शकों के लिए भी, एक भारतवासी एक नागरिक होने के नाते मेरे लिए एक बड़ी गर्व की बात है, खुशी की बात है कि मैं स्वतंत्र हूं, जिससे कि मेरी एक पहचान है, जिससे कि मेरे बच्चों के लिए भी और मेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उनके लिए अपनी एक भविष्य है, उनके लिए एक अपनी आशा है। अगर हम स्वतंत्र नहीं होते शायद ये आशा हमारे लिए नहीं रहता, क्योंकि हम किसी के गुलाम में रहते और हमारे लिए हमारे भी भविष्य नहीं रहता ना हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी नहीं रहता। तो इसीलिए हमारे लिए बड़े खुशी है कि हमारे लोगों ने हमारे लिए मेहनत करी कि आज ये स्वतंत्रता को हम आनंद उठा सकें। इसीलिए मैं प्रभु का भी धन्यवाद देता हूँ और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने इस स्वतंत्रता के लिए मेहनत की है। बहुत अच्छी बात हमने पास्टर अलाइजा जी से सुना है। तो आप सभी लोगों को मेरा एक दूसरा प्रश्न ये है कि अगर हम आज़ाद ना होते तो हमारी हालत कैसी होती? क्या जीवा कुछ बताना चाहोगे? जी हाँ, सही बात है। जैसे कि आपने कहा कि आज़ाद नहीं होते तो हमारा हालत कैसा होता था, तो मैं सोचता हूँ कि अगर वही दिन अगर आज भी हमारे बीच में मौजूद होता था तो मैं सोच के भी नहीं देख पाता हूँ कि वो कैसा हो सकता है। क्योंकि वो समय जब लोग उस गुलामी में गए थे तो उनके पास ना तो उनका सोच को बताने के लिए उनके पास रहा नहीं था, या स्वतंत्र नहीं था, और जो लोग चाहते थे कि मुझे ऐसा बनना है, ऐसा करना है, तो वो समय में वो मुश्किल था। वो समय में तो आज के दौर में मैं देखता हूँ कि हमारा भारत जो आज़ाद हुआ है तो अच्छी बात है, जो हमारे लिए जो मेहनत कर कर हमारे देश को आज़ाद किए और आज देख पाते हैं कि भारत एक अच्छे ऊंचे स्थान में, जैसे कि हमारे पूरे विश्व में हम देखते हैं कि भारत देश पूरा देश में हमारा भारत देश का नाम रोशन हो रहा है, हर एक चीज़ में, जैसे तकनीक में, पढ़ाई में, खेल कूद में, सब जगह में हमारा भारत नंबर वन में। तो मैं चाहता हूँ कि जो गुलामी से हमें छुटकारा मिला, मैं मानता हूँ कि वो आज़ादी की वजह से ही आज हमारा देश इतना मुकाम में पहुँचा। अगर गुलामी में रहता तो मैं सोच भी नहीं सकता कि हमारा भारत यहाँ तक पहुँचता था कि नहीं करके। तो जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर लोग हैं, जो हमारे देश के लिए लड़ाई किए, जो गुलामी से बाहर आने के लिए जो मेहनत उन्होंने, जो कदम उन्होंने आगे उठाकर हमारे देश को स्वतंत्र मिलने के लिए इतना प्रयास किया, तो उनके प्रयास की वजह से आज हम देख पाते कि हमारा देश इतना स्वतंत्र के साथ हम जो विचार प्रकट करना चाहते हैं उस पूरी तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो मैं
उन सारे लोगों को धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ कि हमारे भारत देश को उस गुलामी से बाहर लेके आया। अगर गुलामी में आज भी रहते थे हम ये सब सफलता नहीं मिलता था हमें, नहीं मिलता। और हम भी जैसे पास्टर ने बोले कि अगर स्वतंत्र नहीं होता तो हमारा परिवार, हमारा पीढ़ी या हम स्वतंत्र में नहीं होते तो गुलामी में रहते तो हम मुश्किल में जाते थे। मुश्किल में तो इस स्वतंत्र के दिन में बात करने में मुझे बहुत आनंदित हो रहा है और स्वतंत्र दिए उन फाइटर लोगों को भी मैं धन्यवाद जी जी बहुत ही हम उनके प्रति, उनके बलिदान के प्रति बहुत ही आभारी हैं। जो कुछ उन्होंने किया है उन्हीं के बलिदान की बदौलत ही आज हम इस मुकाम पर पहुंचने में सफल हो गए हैं। तो जैसे कि हम लोग स्वतंत्रता के विषय पर बात कर रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि एक मसीह होने के नाते धर्मशास्त्र बाइबल स्वतंत्रता के विषय पर क्या कहता है, तो आज के दिन हम इस विषय पर थोड़ा चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे पास आदरणीय हमारे पास्टर जी मौजूद हैं तो हम उनसे सीखेंगे थोड़ा कि धर्मशास्त्र बाइबल स्वतंत्रता इस शब्द पर, इस विषय पर क्या कहता है। तो मुझे लगता है कि शायद पास्टर एलिजा जी हमसे इसके बारे में कुछ साझा करना चाहेंगे। हमारा परमेश्वर जब हमें बनाया, मनुष्य को बनाया जी, तभी स्वतंत्र रूप बनाया। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर ने बनाकर उन्हें अधिकार दिया, अधिकार दिया, उन्हें गुलाम बना के नहीं रखा, नहीं रखा। परमेश्वर की इच्छा ही था कि मनुष्य स्वतंत्र रहे और अपनी जिंदगी बड़े खुशी के साथ व्यतीत करने पाए। बिल्कुल। हमारे प्रभु परमेश्वर हमसे इतना प्यार किया कि हमें बनाते समय जानवरों के समान या किसी पेड़ पौधे के समान नहीं बनाकर, इंसान के रूप में बनाकर स्वयं इच्छा की स्वतंत्रता दी। बिल्कुल। ईश्वर ने ही हमें वो स्वतंत्रता दिया कि हम खुद अपना चुनाव कर सके। बिल्कुल सही बात। और इस वजह से बाइबल में हम बार बार पढ़ते हैं स्वतंत्रता के लिए प्रभु ने अपने लोगों के लिए बार बार प्रयास किया। जैसे पुराने नियम में हम देखते हैं जब लोग, उनके लोग, प्रभु के लोग फरौन के गुलाम में आए, परमेश्वर ने कदम उठाया, एक व्यक्ति को भेजा ताकि वहाँ से उन्हें स्वतंत्र कर सके। सिर्फ एक राजनीतिक तरीके से स्वतंत्रता ही नहीं, मनुष्य की अपनी आत्मा की स्वतंत्रता के लिए भी। बिल्कुल। जब वो व्यक्ति अपने चुनाव के वजह से, अपनी अपनी सोच के वजह से पाप के गुलाम में होता गया, परमेश्वर ने उसे वैसे ही छोड़ नहीं दिया कि गुलामी में रहे। उसने जो है कदम उठाया, इंसान बन के पृथ्वी में आए जी, ताकि जो है मनुष्य को स्वतंत्र कर सके जी। और इसी वजह से प्रभु यीशु मसीह ने इतना दुख उठाया और सब चीज़ इसीलिए किया ताकि मनुष्य को पाप से स्वतंत्र कर सके जी। तो इस वजह से परमेश्वर की इच्छा यही है कि मनुष्य स्वतंत्र जिए, वो शारीरिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से भी और आत्मिक तरीके से भी। तो मैं पास्टर एलिजा जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने बड़ी भली तरीका से धर्मशास्त्र बाइबल स्वतंत्रता के विषय पर हमसे क्या कहता है इसके बारे में उन्होंने कहा। तो मैं इस वक्त बाइबल में से दो वचनों को पढ़ना चाहूँगी। धर्मशास्त्र बाइबल गलातियों की पुस्तक 5वें अध्याय के पहले वचन में इस तरह से कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जोतो। रोमियो की पुस्तक 6वां अध्याय का 22वां वचन इस तरह से कहता है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। तो यहाँ पर मैं एक प्रश्न पास्टर अब्राहम जी से करना चाहूँगे कि बाइबल किस प्रकार के स्वतंत्रता की बात यहाँ पर कर रहा है। यहाँ पर दो शब्द हम यहाँ पर देखते हैं, एक स्वतंत्रता और एक दासत्व। तो आप कृपया अपना विचार हमारे साथ साझा करें, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें कि बाइबल यहाँ पर किस प्रकार के स्वतंत्रता और किस प्रकार के दासत्व के बारे में बात कर रहा है। फिर से आपका धन्यवाद कि आपने हमें न्योता दिया कि हम इस कार्यक्रम में जो है हिस्सा ले सके। और जब हम बात करते हैं बाइबल के नज़रिए को लेकर, हम पाते हैं कि एक प्रकार से बाइबल दर्शाती है कि मनुष्य परमेश्वर के बिना दासत्व में है। बहुत बार लोग कहते हैं कि हम पुण्य के काम करते हैं, हम भले कर्म करते हैं और उसके द्वारा हम नजात पाते हैं, मोक्ष पाते हैं, लेकिन हमें पवित्र कलाम से यह जान पड़ता है कि हम परमेश्वर के पास महज यीशु मसीह के द्वारा ही पहुंच सकते हैं। और जब तक परमेश्वर के पास मनुष्य का जाना नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं दासत्व का या गुलामी का शिकार होता है। अगर पाप नहीं कर रहा है तो हताशा होती है,
हताशा नहीं है तो गरीबी है, गरीबी नहीं है तो बीमारी है, कुछ ना कुछ जो है लगा रहता है। लेकिन जो वचन आपने पढ़ा उसके आधार पर हम इस बात को समझ पाते हैं कि महज यीशु मसीह के बलिदान पर ईमान लाकर आज मैं दासत्व या गुलामी से नजात पा सकता हूँ। जिस प्रकार ब्रदर जीवानंद ने इस प्रकार से हमें बताया कि अगर आप आपने जैसे सवाल उनसे पूछा कि अगर देश आज़ाद ना होता तो क्या होता, क्या होता? मुझे एक प्रथा याद आ रही है, उसका नाम है सती प्रथा। जी। जैसे ही पति का देहांत होता है उसी समय जो है पत्नी को उस जलती चिता पर, उसकी इच्छा भी नहीं होगी लेकिन फिर भी जो है उसको बैठना पड़ेगा उस जलती चिता पर पत्नी को, और उसको जिंदा जलाया जाता था। और पर्दा प्रथा जो कि आज भी काफी जगहों पर प्रचलित है। खैर, सती प्रथा का जो थोड़ा सा हम व्याख्या करें तो हम इस बात को समझ पाते हैं कि कैसे वो ना चाहकर भी उस आग में उसको जलना होता था, ना चाहकर भी उस आग में अपने जीवन को समाप्त करना होता था। हम पाते कि पाप भी कुछ उसी प्रकार का है, बीमारी भी कुछ उसी प्रकार की है। जब तक कि यीशु हमारे जीवन में ना आए, हम उभरना तो चाहते हैं, जीवन भविष्य को तो जीना चाहते हैं, लेकिन बार बार वो आग जो है, पाप की आग जो है, हम कह सकते हैं बीमारी की आग जो है, हताशा की आग जो है, निराशा की आग जो है, हमको घेर लेना चाहती है, जीवन का समापन करना चाहती है। लेकिन धन्यवाद हो यीशु मसीह के उद्धार के लिए जो आज हमको प्राप्त हुआ है, उसके द्वारा हमारी आत्मा स्वतंत्र हुई है। हम शारीरिक तौर से, आत्मिक तौर से, प्राण के हिसाब से, मैं कहूँगा यहाँ तक कि हमारे फाइनेंसेस में भी, हमारे आर्थिक अवस्थाओं में भी, हमें पता है हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हमारा कल कोई संभालता है और वो हमारा यीशु मसीह है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने इस वचन की व्याख्यान करी है, हम सभी लोग आशीषित हो गए हैं। और इस वक्त मैं याकूब की पत्री पहला अध्याय का 25वां वचन पढ़ना चाहूंगी, जहां पर इस तरह से लिखा गया है कि पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। तो मेरे प्रश्न पास्टर एलाइजा जी से है कि स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था यहाँ पर जो लिखा गया है इसका क्या मतलब हो सकता है? जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता के ऊपर कि हम स्वतंत्र हैं जी, शारीरिक तरीके से भी और आत्मिक तरीके से भी। जब हम अपने देश के बारे में हम देखते हैं, हमारे देश स्वतंत्र हुआ, सोचिए कि लाइक स्वतंत्र है और सबके पास आज़ादी है और हर एक व्यक्ति चाहेगा कि अपने मर्जी और जैसे वो चाहे वो ऐसे कार्य करें। एक कार्य करने के लिए सोचता है कि लाइक मेरे लिए अच्छा लगता है तो मैं करूँगा जी, और दूसरे बंदे के लिए शायद वो अच्छा है या नहीं है पता नहीं लगता जी जी। इसलिए देश ने क्या किया, एक कानून बनाया, एक नियम बनाया जी, जिससे कि हर एक बंदा, हर एक व्यक्ति उस देश में एक सामान्य जो है कार्य कर सके, एक तरीके से वो अपने जीवन व्यतीत करने पाए जिससे कि हर एक लिए भलाई हो सके। वैसा ही प्रभु ने हमें स्वतंत्र बनाया है, प्रभु ने हमें आज़ादी दिया है हमारी इच्छा, हमारी सब बातों के लिए जी। मगर इस आज़ादी को अगर हमें सही तरीके से अनुभव करना है, आनंद उठाना है, तो उसकी एक तरीका और उसके लिए एक व्यवस्था बनाया है, वो प्रभु का वचन है। तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हमें गुलाम नहीं बनाता मगर हमें सिद्ध मार्ग में चलाता है जी। जैसे कि अभी सोच लीजिए, मैं भी स्वतंत्र हूँ, भाई जीवा भी स्वतंत्र है, अब ये भी गाड़ी चला रहे हैं, मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ जी। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मर्जी से, मैं अपनी तेजी से जाऊँगा जी, मगर उस सड़क में सिर्फ मैं ही नहीं जी, और भी लोग हैं और जीवा जी भी चला रहे हैं जी, और मेरी तेजी की वजह से शायद उनके लिए जो है दुर्घटना हो सकता है। तो इसीलिए कानून बनाया गया, व्यवस्था बनाया गया कि सड़क में हमें इतनी जो है तेज से ही चला सकते हैं, यहाँ पर बत्ती आया तो हमें रुकना चाहिए। वैसा ही प्रभु ने हमारे जीवन को सही तरीके से चलाकर जिस मुकाम में हमें पहुँचना है, स्वर्ग तक हमें पहुँचाने के लिए प्रभु ने व्यवस्था दिया, वो प्रभु का वचन है जो हमें सिखाता है कि क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, जिससे कि हमारी स्वतंत्रता को सही तरीके से उसका लाभ भी उठाएं, उसकी अनुभव भी करें, और साथ ही साथ हर एक के लिए, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, हर एक के लिए एक सम्मान्य एक पहचान, एक सम्मान्य एक जो है बातें उन सबके अंदर होने के लिए व्यवस्था बनाई गया है। इसे सिद्ध व्यवस्था इसीलिए कहते हैं
क्योंकि इसमें कोई गलतियां नहीं है जी, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है जी, क्योंकि व्यवस्था हर एक लिए एक समान होता है, समान बिल्कुल, चाहे वो अमीर हो गरीब हो कोई भी क्यों ना हो, हर एक के लिए एक समान है। तो प्रभु का वचन हम सब के लिए एक समान है और इसमें कोई गलती नहीं है, यह हमारे सबके लिए आशीष का कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर लहिजा जी को। मैं एक दो वचन एक बार फिर और पढ़ना चाहूँगी। पहला पत्रस दूसरा अध्याय का 16वां वचन इस तरह से कहता है, अपने आप को स्वतंत्र जानो पर अपने इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आह न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। उधर यूहन्ना 8वें अध्याय के 32वां वचन इस तरह से कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो मेरा अगला प्रश्न है पास्टर अब्राहम जी से कि क्या वाकई में हम स्वतंत्र हो चुके हैं, और दूसरा प्रश्न ये है कि क्या पूरी रीति से स्वतंत्र होना संभव है या नहीं है, क्योंकि आप दोनों पास्टर जी यहाँ पर मौजूद हैं जो विशेष रूप से थियोलॉजी की विज्ञाता है, तो हम उन्हीं से सुनना चाहेंगे, हम लोग भी अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का आशीष को अनुभव करना चाहेंगे। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो इस आज़ादी के लिए सिस्टर। मैं विश्वास करता हूँ कि अगर हम स्वतंत्र नहीं होते तो हम इस कदर बैठ भी नहीं पाते। बिल्कुल सही बात है। बिकॉज क्या होता है कि हम अपनी क्लासेस में पढ़ते थे कि 6 लोगों से ज़्यादा कोई स्थान पर कोई लोग बैठ नहीं सकते थे, उस समय का ये एक ऐसा कानून था। क्या बात हो रही है, सरकार को पता होना जरूरी था। अच्छा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि अब जो है हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता का जीवन जो है यापन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या हम पूर्ण रीति से स्वतंत्र है, मैं ज़रूर इस बात में कहना चाहूँगा कि अभी तक होना बाकी है, हम बहुत हद तक हो चुके हैं लेकिन स्वतंत्र होना बाकी है, और वो स्वतंत्रता जो है निश्चित तौर से समय रहते हमें ज़रूर मिलेगी अगर प्रभु का अनुग्रह जारी रहा तो। लेकिन सबसे बड़ी स्वतंत्रता जो है बाइबल के हिसाब से, जो वचनों को आपने पढ़ा उनके आधार पर, हमारी आत्मा की स्वतंत्रता। मैं एक छोटे से घटना को मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। एक बार एक लड़की जो है एक इंडस्ट्री या फैक्ट्री में उसकी जॉब लगती है और वहाँ पे वो काम करना शुरू करती है, और वो वहाँ के सबसे एफिशिएंट मशीन के पास जाती है, सबसे इफेक्टिव मशीन के पास जाती है, और उस मशीन की जो खासियत या उसका जो काम था वो हवा को खींचने का काम था। तो उसमें एक एक जगह वो जाके खड़ी होती है और उसके बाल का एक स्ट्रैंड जो है, एक बाल जो है, लंबे लंबे उसके बाल थे, तो एक बाल जो है एकदम से निकल के उसके सर से एक बाल निकल के उस मशीन में जाता है, थोड़ा सा उसको अच्छा लगता है, थोड़ा और पास जाती है और दूसरा स्ट्रैंड एकदम से निकलता है बाल का और वो मशीन में जाता है। सच्चा वो और हल्का सा जाती है और ऐसा होता है कि वो पूरी तौर से मशीन के अंदर चली जाती है। उसी प्रकार से पाप होता है जी। एक बार पाप करने में थोड़ा सा कहते हैं ना कि नया नया कुछ गुदगुदी सा हुआ जी, अच्छा लगा, लेकिन मनुष्य को पता नहीं होता कि वो बारंबार पाप करता जाता है और दलदल में फंसता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि उसको कोई बचाने वाला नहीं होता है। बिल्कुल। आज हम देखते हैं, आज हम एक ऐसे समाज में रहते हैं कि जब कोई पिट रहा होता है, कोई दुर्घटना के द्वारा कोई चोट खा के गिरा हुआ होता है, समाज को परवाह नहीं है। परवाह नहीं, बिल्कुल सही बात। पाप भी उसी प्रकार का है, जब हम पाप में पड़े हैं किसी को कोई परवाह नहीं है, लोग निराशा और हताशा में, डिप्रेशन में अपने जीवन को गवा बैठे हैं जी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो उस वचन के लिए जो कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम पर इस कदर हुआ कि हमें अनंत काल का जीवन प्राप्त हो। तो जिस प्रकार से आपने कहा कि अपने उस वचन को आपने पढ़ा कि अपनी स्वतंत्रता को जानो, आज मुझे अपनी स्वतंत्रता को जानना है। उसके साथ मैं एक और पॉइंट जोड़ना चाहूँगा, जैसे पास्टर साहब ने कहा कि सीमा या गति की सीमा होती है गाड़ी चलाने में, उस सीमा के बाहर अगर मैं जाता हूँ मुझे मज़ा आएगा, लेकिन खतरा यह भी है कि मैं अपने जीवन को गवाऊं औरों के भी जीवन को मैं गवा सकता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं उस स्वतंत्रता को अपने जीवन में हासिल करूं लेकिन उसको एक पाप की आड़ ना बनाऊं। जी, जी। और
जब मैं इस स्वतंत्रता को पूर्ण तौर से अपने अंदर समझता हूँ, तब मैं जान पाता हूँ कि यीशु जो है वो व्यवस्था का परमेश्वर है, और जब मैं व्यवस्था के अधीन अपने आप को लेकर आता हूँ, तब मैं धीरे 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 स्वतंत्रता की ओर बढ़ता हूँ, और तब मैं पूर्ण तौर से आज़ाद कहलाया जा सकता हूँ। और ज़रूर मैं अंत में कहना चाहूँगा कि आज़ादी पाना बिल्कुल संभव है यीशु मसीह के द्वारा। बिल्कुल सच्ची बात है ना, बिल्कुल सच्ची बात। जब पास्टर जी ये बात कह रहे थे तो मुझे एक वचन याद आया, मैं पढ़ना चाहती हूँ। रोमियो की पुस्तक 6:11-14 ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आमीन। तो जैसे आपने इस वचन को पढ़ लिया, इस वचन पर मुझे एक वर्ड, एक शब्द वो मेरे दिमाग में गया, वो था कि तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, ये एक शब्द है या एक ये वाक्यांश है कि ये वचन इस तरह से कहता है कि मसीहों के ऊपर पाप की प्रभुता ना होती। मगर कई सारे लोगों के मन में ये प्रश्न है, इसके साथ ही हमारे भी अंदर ये प्रश्न रहता है कि कई सारे मसीह पाप के बंधन से आज़ाद ही नहीं हो पाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? अगर पास्टर जी आप कुछ इसमें ये करना चाहेंगे, अपने विचार को साझा करना चाहेंगे। मैं पास्टर अब्राहम की उस कहानी को मैं फिर से याद दिलाऊंगा जी, कि वो गई और हवा में जैसे बाल खींचने लगा, उसको वो आकर्षित हुआ, उसको वो अच्छा लगा जी, और वो उसे और अनुभव करना चाह रही थी जी। वैसा ही मनुष्य है, हम सब क्या करते हैं, थोड़ा सा शुरुआत करते हैं जी। शायद वो पहले किसी और के ज़बरदस्ती की वजह से हो, ज़्यादातर हम आकर्षण की वजह से करते हैं। ट्रू। जैसे कि हम देखते हैं बाइबल में, हव्वा को उसने उस फल को दिखाया, जब परमेश्वर ने मना किया कि उस फल को नहीं खाना है जी। तो उसने उस फल को उसने दिखाया जी। वो आकर्षित हुई, जबकि वहाँ पे इतने सारे फल था, बहुत सारे चीज़ें थी, वो भूखी नहीं थी जी, जी। मगर फिर भी वो फल उसको खाने लायक लगा। ऐसा ही पाप है, लोगों को पहला आकर्षित करता है जी। और उनको लगता है कि वो अच्छा है, और इस वजह से क्या करते हैं लोग, पहले थोड़ी सी कोशिश करने की कोशिश करते हैं जी। और वो थोड़ा सा कोशिश जो है बाद में उनके जीवन की ऐसी आदत बन जाता है, ऐसे लत बन जाता है, जिससे कि वो उसमें से निकलना नहीं चाहते, नहीं चाहते हैं। प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, परमेश्वर हम किसी को भी एक यंत्र के समान अपने काबू में रख के कार्य नहीं करना चाहा। बिल्कुल। हमारे स्वयं इच्छा दिया जी। हमें स्वतंत्र करने के बाद भी हमें ये नहीं मालूम होता है कि अपनी इच्छा को कैसे व्यवस्था की यानी वचन के अनुसार उसे नियंत्रित रखने पाए। तो इस वजह से बार बार क्या करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार खींचे जाते हैं जी। इसीलिए याकूब कहता है, जब भी तुम परीक्षा में पढ़ते हो, ये मत कहो कि हम परीक्षा में ऐसे ही पढ़ गए हैं, मगर हर एक व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा के अनुसार खींचे जाते हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से हमें यीशु मसीह से सीखना है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वो वचन कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र होने के नाते वो जो है हमारे लिए उद्धारकर्ता नहीं बना। इस पृथ्वी में आकर मनुष्य के समान ही जिए थे जी। और इब्रानियों के पत्री में एक जगह कहते हैं कि उसने दुख उठाकर, यीशु मसीह ने दुख उठाकर हमारे लिए हमारे उद्धार को कमाया है। बिल्कुल। और यीशु मसीह हमें ये सिखाया है कि हम भी इस पृथ्वी में रहते समय पाप जब हमारे चारों तरफ है, फिर भी हम अपनी इच्छा को प्रभु के लिए समर्पित करके जी सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने हर वक्त कहा, मैं अपनी इच्छा नहीं मगर पिता की इच्छा को पूरा करने आया, और जो कुछ करता हूँ, जो कुछ बोलता हूँ, पिता की इच्छा के बिना मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। और इस वजह से, उस समर्पण के वजह से, उनकी बलिदान हम सबके लिए उद्धार का एक मूल बना।
क्योंकि फिलिप्पी के पत्री दूसरे अध्याय में देखते हैं जी। कि वो मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु सह लिया, इसीलिए परमेश्वर ने उसके नाम को सब नामों से ऊंचा किया है, जिस नाम से हम सब उद्धार पा सकें। तो इसीलिए हम जब तक अपनी इच्छा को पूरी तरीके से समर्पित नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए वो आज़ादी पूर्ण तरीके से हम अनुभव नहीं अनुभव। इसी के साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जैसे पास्टर के सामने वो प्रश्न लाया गया, मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक भाई बहन जो हमें देख रहे हैं, ये सवाल आपके जहन में भी गूंज रहे होंगे कि क्या ये सच्ची आज़ादी है कि नहीं। प्रभु ने तो हमें स्वतंत्र कर दिया, लेकिन क्या ये सच्ची आज़ादी है कि नहीं। सिस्टर, मैं विश्वास करता हूँ कि आपको पवित्र आत्मा ने ये सवाल दिए हैं ताकि अपना आत्मा जो है उसका परीक्षण हम लोग कर सकें, अपने आप को परख सकें। बहुत ज़रूरी है। अधूरे ज्ञान के दो लक्षण होते हैं जी। या तो मनुष्य वहम में होता है या तो मनुष्य धोखे में होता है है ना। और अगर मैं कहता हूँ कि मैं यीशु के पास सिर्फ इस प्रार्थना विनती के साथ आया हूँ कि ये काम पूरा हो जाए, मेरी नैया पार हो गई जी, जी अब मुझे परवाह नहीं है। अच्छा, लेकिन उसी के साथ साथ प्रभु उस समस्या का समाधान करने में सक्षम है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। बिल्कुल। लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी जो रुचि है जी, वो मेरी आत्मा से है, वो मेरे प्रांत से है, कि वो मुझे बेदाग और बेझुर्री की कलीसिया का एक भाग बनाए। सबसे अहम मुद्दा जो है मुझे वो ये लगता है, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र कर दिया है, क्यों कर आजकल विश्वासी या हम जो प्रभु में बुलाए गए हैं, जो हम विश्वास का जीवन यापन करते हैं, हम अब तक पाप में क्यों रहते हैं? क्योंकि वो बार बार आकर्षण, जैसे पास्टर ने कहा, आकर्षण बार बार पाप का हमें खसोटता है। ज़रूरी है कि हम लोग हर सुबह उठकर अपने आप को नए सिरे से बनाएं, है ना। प्रभु का वचन कहता है कि उसकी करुणा हम पर हर रोज नहीं होती है, उद्धार फिर से हमें पाना जरूरी है, पापों की क्षमा का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको फिर से प्राप्त करना जरूरी है। और जब हम अपनी सिद्ध बुलाहट को समझते हैं, तब हम उस सियानेपन की ओर और साथ ही साथ उस कहते हैं बेदागपन की ओर आगे बढ़ सकते हैं और हम निष्पाप रह सकते हैं। वो सच्ची स्वतंत्रता में मैं कहूँगा उसको जोड़ा जा सकता है। पास्टर के बाद जो जो हृदय में मुझे लगा वो मैं आपके साथ बांटा जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरित पौलुस इफिसियों के पत्र 6 अध्याय के 12वें वचन में इस तरह से कहते हैं कि हमारा ये जो मल्ल युद्ध है, यह लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो स्वतंत्र जीवन जीने के लिए हमारा जो भी ये युद्ध है, यह शारीरिक नहीं है, यह हर मसीह को जानना है ताकि हम वाकई में पाप के बंधनों से आज़ाद हो सकें, जिस तरह से पास्टर अब्राहम जी ने हमें बताया है। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्द वापस आ रहे हैं अपने तेजस्वी कलीसिया को लेने के लिए, जिसमें ना कलंक हो ना कोई झुर्री हो, वरन वो कलीसिया निर्दोष और पवित्र हो। तो क्या आप इस घड़ी के लिए तैयार हैं प्रिय दर्शकों? जैसे कि आज हमने हमारे आदरणीय पास्टर जी से सीखा कि जिस तरह से हमें प्रभु में बलवान होना है, सामर्थ्य होना है, सचमुच में स्वतंत्र होना है, तो मैं आप सभी लोगों से भी आह्वान करना चाहूँगी कि हमें प्रभु में अपने जीवन को बनाए रखना है, प्रभु में सचमुच की जो स्वतंत्रता है उसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इस वक्त मैं छोटा सा समय पास्टर अलैजा जी को देना चाहूँगी कि वो कुछ बात, कुछ सुझाव अपने दर्शकों के सामने भी रखना चाहेंगे शायद। मैं सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छा अवसर मिला कि आज इस स्वतंत्र दिवस के समय पर हम हमारे देश की स्वतंत्रता के बारे में और साथ ही साथ हमारी महत्वपूर्ण स्वतंत्रता जो हमारी आत्मा की जो स्वतंत्रता है उस विषय में बात कर सकें। और मेरी प्रार्थना है और मेरी इच्छा है कि हम सब स्वतंत्र हों, हम सब स्वतंत्र रहें, क्योंकि यही इच्छा है प्रभु परमेश्वर का भी, क्योंकि वचन कहता है कि कोई भी नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। और इसी प्रयास के साथ हमारे एंजल टीवी भी जो है दिन और रात यही प्रयास करता रहता है ताकि हर एक व्यक्ति सुसमाचार को जाने और स्वतंत्र हो जाए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छा ऐसे एक जरिया प्रभु ने हमारे इस पृथ्वी में दिया है, एंजल टीवी, जो हर भाषा में हमारे देश और
अन्य संसार में भी इस कार्य को करता आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए हर एक को तैयार कर सकें। यीशु मसीह बहुत जल्द ही आ रहे हैं, इसीलिए हम सबको तैयार होना है। उसी दर्शन के साथ एंजल टीवी कार्य करता है, और ये दर्शन प्रभु परमेश्वर ने हमारे प्रिय साधु जी को प्रभु ने दिया, और उसे बखूबी उसे निभा रहे हैं। तो इसीलिए हमारे कर्तव्य है, तो मैं सारे दर्शकों से नम्र निवेदन करूँगा कि आप एंजल टीवी के लिए और हमारे प्रिय साधु जी के लिए प्रार्थना करें, ताकि इस दर्शन को वो पूरा कर सकें, ताकि यीशु मसीह के आगमन के लिए संसार को तैयार कर सकें। और साथ ही साथ हर एक कार्यकर्ता यहाँ पे जो हैं, कर्मचारी लोग यहाँ पर हैं, उन सबका भी मैं सराहता हूँ। प्रभु उन सबको आशीष देने पाए जो दिन रात इस दर्शन के साथ जुड़ के कार्य कर रहे हैं, प्रभु उन सबको आशीष देने पाए। प्रिय दर्शकों, अपने लोगों को, जानने वाले लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इसके बारे में सूचित करें, इसके बारे में बताएं, जिससे कि सुसमाचार के जरिए उनके जीवन में जा सकें और आप भी इसमें शामिल होंगे। धन्यवाद, प्रभु आपको भी आशीष देने पाए। तो आइए हम इस वक्त इस कार्यक्रम के अंतिम समय पर आ पहुँचे हैं, तो मैं इस वक्त रिक्वेस्ट करना चाहूँगे आदरणीय पास्टर अब्राहम जी से, वो हमारे प्रिय दर्शकों के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर की सच्ची जो भी स्वाधीनता है, स्वतंत्रता है, उनके जीवन पर भी आने पाए, और उनकी प्रार्थना के साथ हम इस कार्यक्रम को समापन करने जा रहे हैं। आइए दुआ करें। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस आज़ादी के लिए, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस देश में रखा। इस देश के सारे जितने भी लड़ाइये थे प्रभु जी, उनके द्वारा आपने इस देश को स्वतंत्र किया है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की, इस देश को आपने इस मुकाम पर लाया है कि आज पिता परमेश्वर अन्य राष्ट्रों के लोग इस देश की पहचान बनते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको इस देश में नियुक्त किया है। प्रभु आपका वचन कहता है कि तू अपने देश का कल्याण देखेगा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि हम भारतवर्ष के कल्याण को देखने पाएं। इस भारतवर्ष में हम तेरी बेदारी को चाहते हैं। इस भारतवर्ष में हम पिता परमेश्वर हर प्रकार की गरीबी, अत्याचार, दुराचार, हर प्रकार के पापों को दूर होते हुए देखना चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि इस देश में आपकी उन्नति और आपकी संपन्नता राज्य करे। ये हमारी दुआ है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे प्रियजनों के लिए जो इस समय व्याकुल हैं, परेशान हैं, जो अपने जीवन में हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो पिता परमेश्वर अभी भी बीमारी का, हताशा, निराशा, पाप का सामना कर रहे हैं, उसकी गुलामी में है। पिता परमेश्वर यीशु की सामर्थ के द्वारा और यीशु के बहाए गए लहू के द्वारा वे यीशु के नाम से स्वतंत्र किए जाएं, आज ऐसी हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। प्रभु जी तेरा वचन कहता है कि हे मृत्यु तेरा डंक का रहा और हे मौत तेरी शक्ति का रही। पिता परमेश्वर क्योंकि तू हमारा अनंत काल का परमेश्वर है, और उस मृत्यु के बाद तू हमें अनंत काल का जीवन स्वर्ग में देता है अगर हम तुझ पे विश्वास करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमें देखने वाले सारे श्रोतागणों के लिए, प्रभु जी होने पाए कि वे आपके बलिदान पे विश्वास करने पाए, परमेश्वर की हुजूरी को, परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में वे अनुभव कर सके। ये हमारी दुआ है प्रभु जी। अगर पिता परमेश्वर वो उद्धार की चाहत में है, पापों की माफी की चाहत में है, होने पाए कि प्रभु जी आप उनके जीवन में प्रवेश करें और उस खालीपन को आप भर दीजिए यीशु राजा। अगर उन्होंने अपने परिवारों में किसी को खोया है, उन्होंने अगर अपने प्रियजनों को खोया है और वो रोते रोते अपने समय को गुजार रहे हैं, पिता परमेश्वर उन पर रहम कीजिए, उन पर दया कीजिए। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से हमें स्वतंत्र करने के लिए। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तेरा वचन है, और तेरा वचन आज हमें स्वतंत्र करता है। तेरा वचन सारे दर्शकों को स्वतंत्रता का जीवन देता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं हमारे एंजल टीवी के दल के लिए, हमारे साधु जी के लिए, जिस प्रकार से पास्टर लाइजा ने कहा कि हमें लगातार उनके लिए प्रार्थना करने के लिए सहायता कर, उनको सहयोग देने के लिए तू हमारी सहायता कर। हम प्रार्थना करते हैं कि ये दर्शन पिता परमेश्वर बहुत जोरों शोरों से बढ़ता जाए और पूरा होने पाए, अपने द्वितीय आगमन के लिए हमको तैयार कर। तेरा नाम ऊँचा हो, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।
मैं अपने प्रिय दर्शकों को एक बार फिर धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे साथ इस वक्त तक बने रहने के लिए। हम यही आशा करते हैं कि ये कार्यक्रम, जितने भी हम लोगों ने आज के दिन अपने विचारों को आप सभी लोगों के साथ साझा किया है, आप निश्चय ही उससे आशीषित हुए होंगे। तो अपने विचार और अपने आशीष अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो इस वक्त स्क्रीन पर जो भी नंबर आपको दिखाई दे रहा है और जिस प्रकार की एड्रेस हमारे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उस पर आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना का निवेदन हो तो भी आप हमें इस ठिकाने पर संपर्क कर सकते हैं और हमें भेज सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएं। तो प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो एक अच्छी चर्चा के लिए जो प्रभु ने हमें करने के लिए सहायता मदद करी। प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि हम देश के साथ, देश के होने के नाते, हम जो देशवासी हैं, जो विश्वासी इस संसार में पाए जाते हैं, और ख़ासकर जो एंजल टीवी के दर्शक हैं, आपके साथ हम सब मिलके अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख लेकर जाए। प्रभु का वचन कहता है दूसरे शमूएल में, अगर मेरे लोग जो मेरे नाम के द्वारा बुलाए गए हैं अपनी बुरी चालों से फिरे और अपने आप को नम्र करे, तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि उनके देश को मैं फिर से बदल दूंगा, उनके देश को मैं फिर से उनकी उस देश की हालत को मैं तब्दील कर दूंगा। प्रियो, हमारे भारतवर्ष में क्या क्या हो रहा है आप जानते हैं, और उसके लिए ज़रूरत है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें। उसके पहले, आराधना से पहले हम थोड़ी छोटी सी प्रार्थना करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की आशीष आज के इस समय पर होने पाए। जो चर्चा हमने की है और जो आराधना हम करने वाले हैं, उसके द्वारा प्रभु के नाम को महिमा मिलने पाए। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। दुआ करते हैं तेरी आशीष के हाथ को हमारे जीवन पर बढ़ने के लिए। प्रभु, हमारे देश को तू ज्यों का त्यों कर। हम अपने पापों से माफ़ी मांगते हैं, अपनी बुरी चालों से फिरते हैं प्रभु, अपने आप को नम्र करते हैं प्रभु, तेरे पास आते हैं यीशु राजा। प्रभु जी, तेरे सिवा हमारे देश को कोई बचा नहीं सकता, तेरे सिवा हमारी इस भूमि को कोई चंगा नहीं कर सकता, तेरे सिवा हमारे प्रिय भाई बहनों को उनकी हताशाओं, निराशाओं, बीमारियों से कोई बचा नहीं सकता। प्रभु, हमें तेरी आवश्यकता है, हम तुझे पुकारते हैं प्रभु यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। नफरत की दीवार क्यों एक दूजे से जुदा, भाई भाई के खिला क्यों रोता देश मेरा। ये नफरत की दीवार, फिर से गाएंगे। ये नफरत की दीवार से जुदा, भाई भाई के खिला क्यों रोता देश मेरा। मेरे वतन की तू ही रजा है, तेरे भरोसे हिंदुस्तान है। मेरे वतन की, इस देश का खुदा तू है, बच्चों का पिता तू है, जाति पाति धर्म से बड़ा। अब दूर नहीं किसी से, पास है तू हर एक के साथ, तू कभी ना छोड़ेगा। इस देश का खुदा, इस देश का दूर नहीं किसी से, पास है तू।
बदल दे ये जहां प्यार से बदल।
से मिलते हैं और जाते हुए एक दूसरे को कहते हैं कि आपसे फिर से मिलने की आशा रखते हैं, हमें पता नहीं होता कि अगले दिन क्या हम उस व्यक्ति को देख पाएंगे या मैं उस व्यक्ति को देख पाऊंगा, क्योंकि हमारा जीवन अनिश्चित है। अगले दिन पता नहीं कि जीवन के साथ क्या होगा, का खत्म होगा या जिएंगे, ये मनुष्य के जीवन की प्रवृत्ति है। लेकिन बाइबल में हम जिस आशा को पाते हैं वो एक सदा जीवी आशा है,
वो आशा कहती है कि यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा। वो आशा कहती है कि हम उसके साथ लगातार रहेंगे। वो आशा कहती है कि तुम मेरे समान बनोगे, तुम मेरे स्वरूपता में बनोगे। हालेलुया प्रियो, उस आशा से आज आप भर जाएं, ये हमारी प्रार्थना है। उस आशा के द्वारा आप जीवन पाएं, ये हमारी प्रार्थना है। क्योंकि ये शहर बदलने वाला है, ये देश बदलने वाला है, हम सब बदलने वाले हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को रंगने वाले हैं। हमारी कलीसियाएं बदलने वाली हैं, दुष्ट आत्मा की शक्तियां यीशु के नाम से भस्म होने वाली हैं। परमेश्वर एक अद्भुत चमत्कार इस संसार में करने वाला है, खासकर भारतवर्ष में परमेश्वर की बेदारी आने वाली है। अगर आप विश्वास के साथ कहेंगे तो आइए प्रभु से कहें कि प्रभु इस पहाड़ को हटा, इस अविश्वास के पहाड़ को यीशु के नाम से तू हटा। ओ ये शहर बदल जाएगा, ये शहर बदल जाएगा, ये शहर बदल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। ओ ये शहर बदल जाएगा, ये शहर बदल जाएगा, ये शहर बदल जाएगा तेरी आत्मा के। गाएंगे ना तो बल से, ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से, ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा। ये शैतान भाग जाएगा, गाइएगा। ओ ये शैतान भाग जाएगा, ये शैतान बदल जाएगा, ये देश